Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve camera problem. दोस्तों कभी ना कभी आपके डिवाइस पर कैमरा प्रॉब्लम जरूर देखे होंगे, जैसे कि कैमरा ऐप ओपन नहीं हो रहा है, जब भी आप कैमरा ओपन करते हो तो वो हैंग कर रहा है, कभी कभी कैमरा खोलने से फोन बहुत गर्म हो रहा है, या फोटो खींचने के बाद फोटो ब्लर हो जाते हैं, या फिर बहुत बेकार क्वालिटी का फोटो आ रहा है। दोस्तों कैमरे के रिलेटेड आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद सारे प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। नंबर वन, फोन रिस्टार्ट। दोस्तों फोन को रिस्टार्ट करने से ज़्यादा समय कैमरा रिलेटेड सभी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऊपर से क्विक पैनल ओपन करें या पावर बटन पर क्लिक करें, इसके बाद अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने से डिवाइस में कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता है, आपका फ़ोन पूरी तरह से बंद होगा फिर अपने आप ऑन हो जाएगा। नंबर टू, रीसेट कैमरा। दोस्तों फोन रिसेट करने से अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो हम सेकेंड स्टेप में कैमरा सेटिंग्स को रिसेट करेंगे। जिस कैमरा एप्लीकेशन से आप फोटो खींचते हैं उसके ऊपर लॉन्ग टैप करें या आइकन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने कैमरा ऐप सेटिंग्स खुल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फोर स्टॉप कीजिए, इसके बाद नीचे की ओर जाके स्टोरेज पर क्लिक करें, फिर कैमरा ऐप का ऑल डेटा क्लियर कर दीजिए। इससे कोई भी फोटो या वीडियो डिलीट नहीं होगा, लेकिन फ्रंट एंड बैक कैमरा सेटिंग्स रिसेट हो जाएंगे, फिर आपका कैमरा इशू भी ठीक हो जाएगा। नंबर थ्री, क्लीन कैमरा लेंस। दोस्तों कभी कभी कैमरा लेंस के ऊपर डस्ट जमने की वजह से या फिर पीछे लगा हुआ बैक कवर की वजह से फोटो ब्लर आ सकते हैं। आपको एक काम करना होगा, एक सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए, इसके बाद पीछे बैक कवर को निकाल के सभी कैमरा लेंस को साफ कीजिए। लेंस साफ करने के बाद बैक कैमरा से फोटो खींच के देखना, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर फोन कैमरा फोटो अच्छा नहीं आ रहा है तो इस तरह आप फोन कैमरा लेंस को भी साफ कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए जो ग्लास लगाए रखा है उसे चेंज कर सकते हैं। नंबर फोर, सॉफ्टवेयर अपडेट। कई बार फोन को अपडेट करने से कैमरे में प्रॉब्लम आ जाते हैं। अगर आपने रिसेंटली फोन को अपडेट किया है और उसके बाद से आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर पैक में कोई ग्लिच था और उसकी वजह से आपका कैमरा खराब हो गया है। दोस्तों चिंता ना करें, नेक्स्ट टाइम जो अपडेट आएगा उसमें आपका प्रॉब्लम जरूर ठीक हो जाएगा। नंबर फाइव, फोन रीसेट। दोस्तों अगर आपके फ़ोन की कैमरा में कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो इन सभी ट्रिक्स काम नहीं करेगा, तब आपको फ़ोन रीसेट करना होगा। फ़ोन रीसेट करने से पहले सभी जरूरी डेटा का बैकअप ले लें या उसे पेनड्राइव में ट्रांसफ़र कर लें। फ़ोन को रीसेट करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, यहाँ सर्च बार में फाइंड करें रीसेट। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही रीसेट मेन्यू खुल जाएगा, यहाँ फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करें, फिर नीचे की ओर जाके रीसेट पर क्लिक करें। आप स्क्रीन लॉक का पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करें, इसके बाद डिलीट ऑल पर टैप करते ही आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। दोस्तों फ़ोन रीसेट करने के बाद आपके डिवाइस में कैमरा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।